कल्याण सेवा जन जागृति संगठन और छत्तीसगढ़ बंगाली मित्र सभा के पदाधिकारियों द्वारा बढ़ती ठंड के मद्देनजर पावर हाउस रेलवे स्टेशन बस स्टैंड एवं पावर हाउस ओवर ब्रिज के नीचे निवासरत गरीब परिवारों को कंबल बांटा गया। पदाधिकारियों ने कहा इस कार्य को निरंतर जारी रखेंगे। बढ़ती ठंड के मद्देनजर गरीब परिवारों को ठंड से राहत प्रदान करने हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी कल्याण सेवा जन जागृति संगठन और छत्तीसगढ़ बंगाली मित्र समाज के पदाधिकारियों द्वारा कंबल वितरण करने का बीड़ा उठाया गया है। इसी के तहत समाज के अध्यक्ष सुमन शील के नेतृत्व में पदाधिकारियों द्वारा पावर हाउस रेलवे स्टेशन बस स्टैंड एवं पावर हाउस ओवरब्रिज के नीचे निवासरत गरीब परिवारों को कंबल बांटा गया। पदाधिकारियों द्वारा पूरे रेलवे स्टेशन में भ्रमण कर ठंड से ठिठुर रहे गरीबों को कंबल देकर मानवताओं की मिसाल पेश की गई। समाज के अध्यक्ष सुमन शील ने कहा कि शहर के प्रत्येक स्थानों में जाकर ठंड से राहत प्रदान करने हर गरीब को कंबल दिया जाएगा। कल्याण सेवा जन जागृति संगठन भिलाई नगर सेक्टर 6 कालीबाड़ी समिति एवं छत्तीसगढ़ बंगाली मित्र समाज के संयुक्त तत्वाधान में एक कड़ाके की ठंड को देखते हुए आज हम लोगों ने उन लोगों को कंबल बांटने का कार्यक्रम प्रारंभ किया है जिन जो कि सड़क पर बिना रजाई के सो रहे हैं। ऐसे लोगों को चिन्हित करते हुए आज इस कार्यक्रम को प्रारंभ किया गया है जिसमें कि सर्वप्रथम हम लोगों ने रेलवे स्टेशन पावर हाउस के रेलवे स्टेशन में जो लोग सो रहे थे जिनके बिना कोई स्वेटर के बिना कोई कंबल के उन्हें हमारे संस्था और सभी के सहयोग के माध्यम से कंबल का वितरण कार्यक्रम हुआ। उसमें ऐसे भी पावर हाउस बीच के नीचे भी ऐसे लोग रह रहे हैं जो कि आग जलाकर ठंड को देखते हुए अपनी जीवन यापन कर रहे उन्हें भी बांटा गया है। उसी तरह एक पावर हाउस में जो कि भिलाई नगर निगम के द्वारा घर रहने के बावजूद उन्हें अवैध कब्जा होने के चलते उन्हें तोड़ दिया गया है जो कि पावर हाउस बस प्रतीक्षालय के किनारे में सुबह से लेकर राति तक रहते हैं। इसी भीषण ठंड में उन्हें भी एक कंबल वितरण कर दिया गया है और प्रशासन से हम मांग करते हैं कि ऐसे चिन्हित लोगों को यथाशीघ्र ठंड में किसी तरह का अनहोनी ना हो उससे पहले सरकार के माध्यम से शासन प्रशासन के माध्यम से इन कंबल वितरण का कार्यक्रम किया जाए और जो कि आज जो बस जितनी कड़ाके की जो ठंड पड़ा हुआ है उस कड़ाके की ठंड को देखते हुए उनके ऊपर ध्यान आकर्षित किया जाए। बहरहाल समाज का यह प्रयास सराहनीय है जिसे इन्होंने लगातार जारी रखे जाने की बातें कही हैं। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए कैमरामैन प्रवीण मिर्जे के साथ संजय दुबे।